तो टेबल मेरी आ चुकी है, तो मैं देख रहा हूँ सामने चेयर रखी हुई। देखो वो दिखाते हैं एक करके, ठीक है। हमारी बात है बढ़िया लड़ी भाई के, तो सामान को रखवा देते हो। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आज के मेरे इस ब्लॉग में आपकी। और आज के इस ब्लॉग में क्या होने वाला है आई डोंट नो, बट कुछ तो होने वाला है। और आज है संडे, और संडे के दिन हम क्या करेंगे। पूरा फंडे होता है सभी का, बट मेरा फंडे नहीं होता यार। ऑब्वियसली मेरा फंडे होना चाहिए था, बट हो नहीं पाता। तो यार क्या होने वाला है आज के ब्लॉग पे, तो मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है आज के ब्लॉग में। तो यार जैसे कि सुबह से, मतलब आप देख सकते हैं यार, फर्श बिल्कुल चमक रहा होगा। देखो बिल्कुल फर्श चमक रहा होगा। तो यार इतनी सफाई, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इतनी सफाई करनी पड़ती। देखो यार कितना गंदा रहता है, मतलब पूरा घर, पूरे सप्ताह मेरा घर गंदा रहता है, और मुझे एक दिन में मतलब उसको चमका देना होता है, और जो कि यार पॉसिबल नहीं है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से देखो, मैंने चमका रखा है पूरा। यार क्या करें यार, चमकाना पड़ता है। तो यार मतलब आप समझ सकते हैं कि एक दिन संडे और मेरे लिए कितना बिजी डे हो जाता है ये। तो अब नीचे देख रहे होंगे, देखो मेरे नीचे देखो, फर्श देखो आप, ये देखो। तो मैंने बिल्कुल चमका के रखा हुआ है यार, बढ़िया तरीके से, ठीक। तो आज जैसे कि बिल्कुल अच्छी सी धूप आ रखी है, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत बढ़िया धूप आई है। और आज का दिन मुझे लगता है कि मेरे सारे काम हो जाएंगे। और सुबह से काम कर करके मैं आपको थोड़ा सा बाहर का भी दिखा देता हूँ, हल्का सा। ये देखिए अभी मैंने जस्ट सफाई करी हुई है, अभी गीला ही है। तो यार अभी मेरे ढेरों सारे बर्तन पड़े हुए हैं किचन पे, तो मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, बट यार सॉरी, यहाँ बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि आप लोग थोड़ा शॉक्ड हो जाएंगे। ये देखो अभी सारे बर्तन पड़े हुए हैं और बहुत काम है अभी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही मैं आपको बताने वाला था। थोड़ा मेरा ये मोरल ब्लॉक होने वाला है, थोड़ा सा नॉलेजेबल होने वाला है। थोड़ा सा मैं आपको अपनी किचन का ऊपर का साइड दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से बनी हुई है, देखिए, ठीक है। और अगर नीचे का दिखाऊँ तो यार दिखाने लायक तो अभी नहीं हो रहा है, बट मैं दिखा देता हूँ, फिर भी देख सकते हैं। ये कुछ ऐसे मैंने बनाया है, देखो ये इस तरीके से कुछ बनाया है मेरा। अभी मेरा सिलेंडर भी ऊपर ही नीचे ही रखा हुआ है, तो अभी ऊपर मैंने शिफ्ट नहीं किया हुआ है। और वो मतलब बाथरूम में मैं कपड़े दिखाना चाह रहा था कि मैं भिगो के आया हूँ, बट यार वो दिखाने लायक नहीं हो रहा है, तो मैं नहीं दिखा सकता, सॉरी, ठीक है। तो अकेले रहता हूँ तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है संडे वनडे को। तो अभी सुबह से मतलब झाड़ू पोछा कर करके, पोछा वोछा मार के, ऊपर छत वत की सफाई करके, सब कुछ करके, मतलब जस्ट 10 मिनट में फ्री हुआ हूँ। तो मैं सोचा कि यार क्यों ना आज ब्लॉग बनाया जाए। बहुत सारे मेरे ऐसे फैंस हैं जो वेट कर रहे थे मेरे ब्लॉग का। तो बहुत छोटा ब्लॉग करूँगा मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा इसको। और कुछ लोग यार सोचते हैं ना कि यार मतलब मम्मी को, आप मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि मम्मी को बुला लो, मम्मी आपके साथ क्यों नहीं रहती हैं, और मतलब मम्मी को आप बुला सकते हो, काम वगैरह आपका हेल्प हो जाएगा थोड़ा। तो यार देखो यार, मैं इसलिए नहीं बुलाता कि देखो, माँ बाप इसलिए नहीं होते हैं कि यार वो आपके लिए काम करें, या फिर आपके आपके साथ इसलिए रहें क्योंकि वो आपको खाना बना के खिलाए, मम्मी आपके झाड़ू पोछा करें, कपड़े धोए। यार ये कहाँ तक सही है बताओ। यार मेरे हिसाब से देखो, मेरी मम्मी की आराम करने की उम्र है, और जब भी मेरी माँ मेरे पास आएगी, यार ऐसा नहीं, देखो हमारा सब एक जैसा ही है, हम दोनों भाई बहुत मिल के रहते हैं, और मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। तो यार मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी मेरे साथ रहे या मेरे भाई के साथ रहे, तो कोई इसमें कोई इश्यू नहीं है। किसी के साथ भी रहे तो वो माँ है, तो ऑब्वियसली यार वो यहाँ भी रह सकती हैं, वहाँ भी रह सकती हैं। मेरी बहन है, वो हमारी बहुत, हम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। और तो हम लोग ये नहीं सोचते कि यार ये मतलब ये घर में बहू है, ये बेटी है, ये ससुराल चलेगी, यार ऐसा हमारे वहाँ नहीं चलता भाई। हमारे वहाँ सिर्फ फंडा ये है, घर है आपका, है हमारा है, ठीक है। आपका मन कर रहा है आप बनाइए खाइए, मैं खाली हूँ तो मैं बनाऊँगा। तो हमारे घर में ये रूटीन चलता ही नहीं है, और ना हम अपने भाभी के साथ कुछ ऐसा ट्रीट करते हैं। यार हमारी भाभी बिल्कुल बहुत अच्छे से अब जानती है हमारी फैमिली फैमिली के नेचर्स को। तो मेरी मम्मी खुद काम करती है, मेरी दीदी की लड़की खूब सारा काम करती है घर पे, और भाई की छोटी लड़की है वो खूब सारा काम करती है, और
मैं जाता हूँ तो मैं घर पे काम करता हूँ, तो हमारे घर पे सब कुछ नहीं चलता। और ये सीन घरों में होना भी नहीं चाहिए। अगर आप लोग मुझे सुन रहे हो तो मैं लड़कों से भी कह रहा हूँ और लड़कियों से भी कह रहा हूँ, और यहाँ तक कि अगर माताएं मेरी बुजुर्ग कोई हमारा सुन रहा है तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि अपने घर का माहौल ऐसा बनाइए कि बहू बेटी वाला सीन नहीं होना चाहिए। तो सब एक फैमिली मेम्बर हैं, तो हर कोई किचन पर जा सकता है, हर कोई किचन का काम कर सकता है, और हर कोई झाड़ू पोछा करना जानता है यार। बट इसलिए नहीं करते कि हम लड़के हैं, हम मर्द हैं, तो इसलिए नहीं करते यार। ऐसा कोई सोच नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जिसको टाइम मिले उसको करना चाहिए। तो मैं अपनी मम्मी को यार सिर्फ इसलिए साथ ही रखना चाहता क्योंकि यार वो काम करेगी, ठीक है, वो माँ है और उसकी मर्जी जहाँ करी हो रहेगी। और अगर मेरे साथ मेरी मम्मी रहेगी तो यार भाई मैं सिंपल सी बात, मैं आपको ब्लॉग पे दिखाऊंगा अभी, मैं अपनी मम्मी से काम नहीं करवाऊंगा यार, सीरियसली। मतलब क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरी मम्मी आराम करें और रेस्ट करें आराम से। और हाँ, थोड़ा बहुत कभी मम्मी कुछ चीज़ें अच्छी बनाती हैं तो यार ऑब्वियसली यार बेटा चाहेगा कि यार मेरी मम्मी मुझे गजब का डिला है ना। तो यार मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाह रहा हूँ, आज के ब्लॉग में थोड़ा सा फुर्सत मिला, मैंने बनाने की कोशिश करी, तो अभी मैं जरा सा चाय बनाने जा रहा हूँ। और वैसे ही 5 मिनट हो चुके हैं, बाहर का माहौल बहुत अच्छा है। जस्ट मेरे घर के बगल में एक मकान और बनने जा रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरफ से दिखाते हैं, वो देखिए ये ईंटें वगैरह आ चुकी हैं, वो वहाँ पे एक मकान बन रहा है, तो कोई पुलिस वाली आंटी हैं तो उनका मकान बन रहा है। और मेरे एक और पड़ोसी आने वाले हैं, तो मतलब नए पड़ोसी आने वाले हैं। तो वैसे मैं घर से ज़्यादा बाहर निकलता नहीं हूँ, बट फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए ब्लॉग में आगे देखते हैं, 2-1 मिनट का ब्लॉग मैं और बनाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं बनाऊँगा। तो यार तो ये बन रही हमारी आज घर की दाल, ये देखिए। तो यार आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध के चलते हुए लहसुन और प्याज वगैरह नहीं खाना होता है, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ डाला नहीं है। इसमें बस मसाले पड़े हुए हैं, हरी मिर्च वगैरह और थोड़े गर्म मसाले, थोड़े हल्के से, और थोड़ा ज़ीरा पड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं आप, शायद आपको अच्छी लग रही हो, पता। तो मैं आपको एक झलक किचन की दिखा देता हूँ। देखिए मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया, बिल्कुल नीड एंड क्लीन, सब सफाई मेरी हो चुकी है और पूरा मैंने साफ़ कर दिया अच्छे से। देखो नीचे फर्श भी देखो अब साफ़ हो रहा है ना। तो और यार यहाँ पे मेरा एक हैंडल लगना बच गया था, ये मैंने जो सिंक के ऊपर से ठीक लगता है ना बर्तन वर्तन रखने के लिए, जीपी बोलते हैं इसको, जीपी बोलते हैं शायद, तो मेरा इसमें एक ये निकल गया था तो मुझे लगाना था बट मैं लगा नहीं पाया। तो मैंने सिंक के ठीक ऊपर से बना रखा है, तो आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखो पूरा साफ कर दिया मैंने, अच्छे से साफ सफाई कर दी। देखो तो अभी मेरी दाल बनती है, उसके बाद मैं चावल बनाता हूँ, फिर हम खाते हैं। तो मिलते हैं ब्लॉग में आगे, तब तक लिए। तो दोस्तों मेरा खाना रेडी हो चुका है, तो आप देख सकते हैं ये है घर की दाल। इसमें पता नहीं कौन कौन सी दालें हैं, एक तो गहत है और बाकी पता नहीं कौन कौन सी दालें हैं। तो जैसे कि आपको पता है मैं खाना ऑलरेडी बहुत अच्छा बनाता हूँ, और आप देख सकते हैं आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत रस कम है या फिर इसमें आपको कंसंट्रेशन अपनी भाषा में कहें तो ज़्यादा दिख रहा होगा आपको दाल का, पर कोई बात नहीं, मैं अभी और ले लूँगा वहाँ से। तो मेरा खाना रेडी हो चुका है, तो अभी मैं जस्ट खाना खा ही रहा हूँ। तो क्योंकि घर की दाल है बहुत टेस्टी है यार, मैं आपको दिखाता हूँ ये। बहुत लोगों को पता नहीं होगा मैं खाना बहुत टेस्टी बनाता हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। और आइए कभी तो मैं भी खिलाऊँगा आपको घर की दाल। तो दिस इज़, आप देख सकते इतना टेस्टी है यार, मतलब बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो रहा है, स्वादिष्ट एकदम। तो अगर आपको खाना है तो आना पड़ेगा मेरा घर, तो वेलकम है आपका, और मैं आपको बहुत ही प्यार से खिलाऊंगा, ठीक है। तो ब्लॉग में बने रहें, और सभी से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जो चैनल पे नए हैं वो ज़रूर 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 से वो रेड कलर के बटन को जरा प्रेस करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आके, बाय बाय।
तो यार ये है मेरी फाइनल लुक, ऐसा कुछ ईयर का ये फाइनल लुक है। मेरे को वाइट लग रहा होगा, बट ये वाइट नहीं है, ये थोड़ा सा वैसा है ब्राउन चेक में टाइप का है ये, आपको लग ऐसा रहा दूर से, पर पास से अच्छा लगेगा, डोंट वरी। और ये है इसकी टेबल, अभी पहुंची नहीं है मेरे घर पे, तो आज पहुंच जाएगी होपफुली। ये इसका टॉप और इसमें बीच में आएंगे स्टोन, और ये कुछ मोटा मैंने डिज़ाइन दिया हुआ है, अभी बहुत गंदी हो रही है, एक फाइनल टच पड़ेगा इस पर और अभी, तो देख सकते हैं। और ये है इसके पाए, यार पाए बहुत अच्छे लगे मुझे, देख सकते हैं पाए साइड से, देखो कट भी है अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं कोशिश करता हूँ लाइट ऑन करने की। ये देखो ये साइड से आपको इसमें कट दिखाई दे रहा होगा, तो ये हल्का सा डिज़ाइन दे रखा है इसमें, और इनको बोलते हैं हिरन पाए, ठीक है, ये हिरन वाले पाए हैं, ठीक। और इसके नीचे आपको एक छोटी सी गिट्टी दिखाई दे रही होगी, ये वाली देखो, ये बहुत ज़रूरी होती है लगानी इस पर, क्योंकि नहीं तो नीचे आपका फर्श जो है वो घिस जाता है ना, तो इसलिए इसको भी जब भी आप बनाएं तो ज़रूर लगाएं। तो ऐसा कुछ है पूरा मैटर। और ये टेबल मुझे कितने की पड़ी, कितने की प्राइस है, ये 6x3 की ये टेबल है, और इसमें 6 चेयर हैं, और सब मेरे मनपसंद का है, लकड़ियाँ मैंने सागौन की लगवाई है, और पूरी सागौन की लकड़ी लगी है इसमें, और बीच में एक हल्की सी प्लाई लगी है 18mm की। और इसका जो प्राइस है कितना होना चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितना होना चाहिए। ये है टेबल का पूरा लुक, इसमें ऊपर से शीशा आएगा, और ऐसा कुछ देखो, अभी कुछ गंदी हो रही ना, ये थोड़ा साफ़ करता हूँ, देखो ऐसा कुछ आएगा, देखो फाइनल लुक, इसमें कुछ डस्ट जमी है, ये साफ़ हो जाएगी ऐसा कुछ, ठीक है। वॉलनट कहते हैं इस कलर को, तो वॉलनट कलर है, रेड नहीं है, वॉलनट है ये, ठीक है, आपको रेड दिखाई दे रहा होगा बट ये वॉलनट है। तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कैसी है टेबल, और चेयर आपको यहाँ से यार वाइट दिख रही होगी, बट ये वाइट ही नहीं है, मैं आपको बता दूँ पहली चीज़ तो, ठीक है, तो ये वाइट नहीं है, वॉलनट के साथ नीचे ब्राउन में मैंने लगवा रखा है, लाइट ब्राउन, ठीक है, चेक ब्राउन में। और कितने की टेबल होगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और गैस करना, तो जिसका आंसर सही होगा मैं उसको रिप्लाई करूँगा। और चलिए फाइनली आज शाम को जब ये मेरे पास पहुँच जाएगी तो तब मैं आपको इसका फाइनल टच दिखाता हूँ, तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय। तो टेबल मेरी आ चुकी है, तो मैं देख रहा हूँ सामने चेयर रखी हुई, देखो वो दिखाते हैं क्या करते हैं, सामान को रखवा देते हो, ये ले लाता हूँ मैं, ऐसा आदमी क्या अब तुम मैंने कहा तुम ही कर दोगे फिर, चलो बाय बाय दोस्तों।